हरे कृष्ण, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उनके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। और किसकी आज पदोन्नत होगी, किसका स्थानांतरण होगा, किसको नौकरी मिलेगी, कौन राजनीति में जाएगा, ये सभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप यदि मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप क्या करें कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में ज्योतिष संबंधित कोई भी अगर जिज्ञासा है तो आप क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख भेजें और आप क्या जानना चाहते हैं अपना प्रश्न भी लिखें। अगले कार्यक्रम में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी आपकी जिज्ञासा है उसमें जो आप प्रश्न जानना चाहते हैं उसमें आपके प्रश्न के रूप में उत्तर आपको दूंगा। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड कैसा जाएगा। तो जो मेष राशि के जातक हैं आपको ढेर सारे अवसर एक साथ मिलेंगे और अवसर को आपको कैसे लाभ उठाना है यह आपको देखने की आवश्यकता है, चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आपके पास बहुत सारे एक साथ अपॉर्चुनिटी, ढेर सारे अवसर मिलने का योग है। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। मन स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मनोबल आपका हाई रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको नौकरी भी मिलने की संभावना बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आज आपका रिजल्ट अगर आ रहा होगा तो परिणाम आपके पक्ष में होगा, आपको नौकरी इत्यादि लगने की प्रबल संभावना बन रही है। ढेर सारे कार्य बहुत दिनों से जो चीर प्रतीक्षित है उसको होने का भी प्रबल योग बन रहा है। पाइपलाइन में जो कार्य लगा हुआ है उस कार्य के भी होने की संभावना बन रही है। माता पिता का सुख मिलेगा, वाणी से आप धन अर्जित करेंगे, आप कीमती सलाह देंगे, कीमती सलाह से धन अर्जित करने की संभावना बन रही है। परिवार में जो भी आपकी दायित्व होगा, जिम्मेदारियाँ होगा उसको आप निर्वाह करने में सफल रहेंगे। माता का सुख मिलेगा, भूमि से संबंधित अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी। माली हालत आपकी अच्छी होगी, अचानक यात्रा से मन उद्विग्न हो सकता है। संतान की टेरिटरी में बेवजह दखलंदाजी न करें, आप उन पर पैनी दृष्टि रखें, उनको गाइड करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में चिंता रहेगी, रोग और शत्रु को हल्के में न लें नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अचानक यात्रा, तीर्थयात्रा, धर्म यात्रा हो सकता है। धर्म के प्रति जो आपका थोड़ा सा रुचि होगा, जबरदस्त होगा, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, मन स्थिति आपकी प्रसन्न रहेगी, पिता के सहयोग से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी और जिस कार्य क्षेत्र में लगेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपको बहुत सारे कार्य एक साथ होगा, सफलता आपके अनुकूल रहेगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आप अचानक गुस्सा बहुत तेजी से करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं तो आपको एग्रेशन से बचना है। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि हनुमान जी की आराधना करें, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, चना बंदरों को खिलावें और क्या करें कि लाल वस्तु दान करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है एक और शुभ रंग है लाल। हरे कृष्णा।